आसनसोल खबर में आपका स्वागत करती हूं। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत मझियाड़ा ग्राम के एक तालाब में मां और बेटी के डूब जाने से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। बताया जाता है कि 30 वर्षीय बेबी पश्यान अपने 6 वर्षीय नेहा के साथ तालाब में नहाने गई थी, जहां खेलते खेलते नेहा तालाब में डूब गई, जिसे बचाने के क्रम में उसकी माँ की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। তোমার নামটা? আমার নাম রবিন সিং। রবিন? রবিন পাসওয়ান। জলে চান করতে গেছিলাম পুকুরে, আপনার ছেলেটা ডুবছিল, বাঁচাতে গেছিল। কত বছর ছিল ছেলেটা? 6 বছর। কোন জায়গায়? এটা মেজাড়া, আপনার মেজাড়া হাটাগাড়ি। তোমার কে হয়? কি নাম ছিল? ওর মেয়েটার নাম আছে নেহা, নেহা পাসওয়ান। নেহা মেয়েটার নাম নেহা পাসওয়ান। আচ্ছা। আর ওদের নাম? बृहस्पतिवार रात रेल पार्क के महुआ नंगाल दुर्गा विद्यालय के सामने स्थित एक प्लास्टिक गोडाउन में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के प्रयास के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया गया, तो दमकल कर्मियों को खबर देने के बाद मौके पर एक दमकल गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। নাই বাঁচে গা পুরা। বে নিউজ বানা রে বে। ভিডিও করবো না। বলিয়ে তখন আমরা ইহা পে তা পিছে সে আগ লাগা হল। ये आग किस जगह पे लगा है? क्या चीज़ था? क्या चीज़ है? गोदाम था सर, कचरे का गोदाम है, प्लास्टिक का गोदाम है। पीछे से हल्का सा लगा, हल्का सा लगते लगते बगल में टीन बक्सा का दुकान था, उसमें लग गया। और उससे लगते लगते तीन गो में लगा सर, बगल में स्कूल है, फिर स्कूल में फैल गया। आप लोग किस तरीके से बचाए हैं इसको, कैसे रोके आप लोग? हम लोग घर से पानी लेके आए पार्टी से और उतार के बोले सुबह में। दमकल कितने देर में आया? दमकल 15-20 मिनट से ज्यादा बुद्धि तब आया। दमकल पूरा बुद्धि तब आया। दमकल हमें किमाड़ी अपने तोड़ ताल करके अपने पूरा बता दिया है, तब दमकल आया खाली अपना फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए कि हम लोग आए हैं, फेस पे आए हम लोग बस। हम हमेशा आसनसोल खबर में फिलहाल लग चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए खबरों के साथ।
क्या आप जानते हैं कि बीमारी जब कभी किसी शख्स के यहाँ एक दरवाजे से दाखिल होती है तो ऊपर वाला उस पर शिफा के 10 दरवाजे खोल देता है। आसनसोल एतराफ में शिफा तंदुरुस्ती के इन्हीं दरवाजों में से एक दरवाजा है आरएल के नर्सिंग होम एनएस रोड आसनसोल में वाक़ इस नर्सिंग होम में डायग्नोस्टिक सेंटर भी है जहां ऑर्थो गायनो फिजिशियन और माहिर सर्जन की खिदमत 2400 घंटा हासिल है। डॉक्टर सुनील गुप्ता एमडी, डॉक्टर पी राय सर्जन और डॉक्टर मोइती की देखरेख में चलने वाला ये नर्सिंग होम तमाम तर सहूलतों से आरास्ता एम्बुलेंस की खिदमत के साथ मुसीबत की घड़ी में आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, वो भी मुनासिब फीस पर। हमारा पता है आरएल के नर्सिंग होम एनएस रोड आसनसोल। डीएनएम कोचिंग सेंटर मकरबी कहा कि स्टूडेंट्स को अब मायूस होने की जरूरत नहीं। झारखंड मुक्ति के प्रदेश और दिल्ली के मंजूर शुदा कॉलेजेस से अब वो रेगुलर या डिस्टेंस मैट्रिक के साथ साथ मैट्रिक एचएस बीए बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए बीसीए और एमसीए के इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हम बैंगलोर और राजस्थान के किसी भी कॉलेज से बीटेक बीएड एमएड और डीएड का कोर्स कमल कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर डीएनएम कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन पड़ा ऑफिस बन बर्नपुर वर्किंग ऑफिस शास्त्री नगर मेन रोड नियर हिंदी हाई स्कूल बर्नपुर। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 60 नंबर वार्ड के स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने महकमा शासक को ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाई कि उनकी कृषि जमीन के पास नगर निगम की ओर से वाटर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसे उन्हें जमीन खोने का भय है। চাষ করা হয়েছে আর ওটা আমাদের হঠাৎ ওইখানে পাম্প হাউস তৈরি করা হবে আমাদেরকে জানানো হয়নি। তা আমার সবাইকে এসে করে গ্রামে বলছি কি এরকম হলো, আমি তো গিয়েছিলাম খেয়ার দিকে দেখে এলাম, তো সবাই বলছে চলো তবে করতে দেব না, আবার ঘটি গাড়া হয়েছে বোর্ডগুলো লাগানো হয়েছে দেখলাম। তো সবাই উল্টি আচ্ছা জানাজানি করে নি আগে থেকে একবারে মানে ডেজার গাড়ি নিয়ে গিয়েছে আর খুড়াখুড়ি করে দিয়েছে। জায়গাটা কার আমরা কিছু করতে দেবো না, ওইটাই ওইটাই বলছি আমাদের চাষের জায়গা তো চাষ করে খাই, মানে কত 50 বছর আগে থেকে মা বাবারা মরে গেছে। আমরা যতজন গার্জেন এসছি আপনার मेयर जितेंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 10 जून को पुराने बस स्टैंड के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा और आने वाले रथ पूजा के मद्देनजर रथ निकालने वाले कमेटी को 25,000 रुपए दी जाएंगी। इफ्तार पार्टी यहाँ बीएसएनएल ऑफिस के सामने बड़ा पंडाल को किया जाएगा। आपको मालूम है कि पवित्र रमजान महीना चल रहा है और इस महीने में हम लोग आने वाले 10 तारीख को आसनसोल नगर निगम की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं और आसनसोल के लोगों से निवेदन है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर पवित्र रमजान महीने में ऊपर वाले का जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को आप जानते हैं रथ मेला है, रथ यात्रा है, तो उस दिन आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके के अंतर्गत जहाँ जहाँ रथ यात्रा निकलता है वहाँ जो भी कमेटी है हर सारे कमेटियों को 25,000 रुपए की सहायता राशि इस बार हम लोग कॉरपोरेशन से देने के लिए दें। आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में जहाँ जहाँ रथ यात्रा निकलेगा वहाँ 25,000 रुपया करके अनुदान कॉरपोरेशन की ओर से दिया।
शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए रोजाना देखना न भूलिए आसनसोल खबर। नमस्कार।